अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक सेकंड एपिसोड बेंफ गंडोला केबल कार। तो आज सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर दिखाऊंगी आपको और ऊपर से उनके व्यूज़, और फिर उसके बाद केबल कार से नीचे जाएंगे। तो इसके सेकंड फ्लोर पे जो था वो होटल रेस्टोरेंट था, शॉप्स थी, और उसके बाद जो रेस्टोरेंट जो वाला लेवल था वो स्काई बिस्ट्रो था। तो उसके बाद जो लेवल 3 था उस पे लास्ट था वो, ये शॉप्स थी। इधर से कुछ भी बाय कर सकते हैं विजिटर जो हैं, कोई भी कोई गिफ्ट और टी शर्ट्स और भी काफ़ी चीज़ें थी, जैकेट्स वगैरह। तो इधर से उसके बाद फिर हम ऊपर वाले लेवल में गए थे जो कि लास्ट वन था। उसका जो सीन था वो अमेजिंग था। ये लास्ट वाला जो लेवल था वो है, और इधर सिनेमा भी था, कुछ लोग इधर फिल्म भी देख रहे थे। तो ये हम ऊपर आ गए, बहुत प्यारा सीन था जो कि टॉप पे अब एक ऐसे सीन था कि पहाड़ों का बिल्कुल सामने थे आप। ये नीचे जो रिवर्स थे, बो रिवर वैलीज जो थी नीचे, मिनावांका लेक, वो सारे रिवर्स के नाम डिटेल थी, और ये सामने हमारे बहुत प्यारे पहाड़ और ग्रीनरी और पूरी वैली, बेंफ वैली जो थी वो सामने थी। बहुत प्यारा सीन था, और ऐसे इतनी खामोशी ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा हवा भी ठंडी थी, और बड़ा प्यारा पर सारा बना हुआ था। फिर ऊपर सब ने फ़ोटो बनाई और हमने भी फिर फ़ोटो बनाई। उसके बाद साइडों के जो सीन थे वो बहुत प्यारे थे। और कनाडा में अगर रह के तो अगर बेंफ नहीं देखा तो फिर मिसिंग है कुछ ना कुछ। तो इसलिए जब भी वेकेशन हो, पूरे एक साल के बाद, दो साल के बाद थोड़ी सी सेविंग करके तो अगर उधर जाया जाए तो बहुत चेंजिंग होती है और बहुत अच्छा फील होता है। और जो नेचुरल ब्यूटी है वो इंसान देख लेता है और बहुत अच्छा फील होता है। तो ये हर चीज़ ऐसे बिल्कुल नीट क्लीन थी, बहुत प्यारा व्यू था। जैस्पर और बेंफ, वो तो कुदरत ने बहुत ज़्यादा उधर जो है ना वो खूबसूरती दी हुई है। पहाड़ों के जो क्लीन है वो बहुत हैं पहाड़, और साफ़ सुथरे ऐसे ट्रीज़ हैं वो बहुत प्यारे हैं। और वो है भी वही, वो जो क्रिसमस ट्री वाले वो लॉन्ग ट्री हैं, वो सारे पहाड़ों पे वही ट्री हैं। साइडों पे भी वो बेंफ की वही रास्ते में थे, वही अल्बर्टा जब स्टार्ट होता है तब भी वही ट्रीज़ थे। तो ये जैसे मरी में होते हैं ना, सेम बिल्कुल वही पहाड़ी एरिया में जैसे वो होते हैं स्वात में हमारे, और मरी में बिल्कुल सेम वही वो लॉन्ग वाले जो ट्रीज़ हैं वही पहाड़ों की वो खूबसूरती को डबल कर देते हैं। तो ये ऊपर से जो लास्ट फ्लोर था उसी उससे मैंने ये इधर सिनेमा था, और कुछ जो थे वो मूवी देख रहे थे, कुछ लोग जो वो अंदर मूवी देख रहे थे। तो ये इधर बहुत ज़्यादा डियर भी होते हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ है। तो नीचे जब हम लोग लेक लुइस के बो लेक उस उधर जो काफ़ी ज़्यादा ये डियर थे, बियर थे, जो पांडाज होते हैं वो थे, उसके बाद हम वापस जाने वाले थे। इधर देखें ना, इधर ये बैठेंगे दोनों तो फिर वो ये साइड पे जो कैमरे वाला है ये फ़ोटो उनकी लेगा, तो वो नीचे जाके फिर वो दे देते हैं। Thank you.
वो एक वो फ़ोटो लेते हैं, पिक्चर लेते हैं, तो फिर अगर आपने वो लेनी है तो वो $20 की आप नीचे जाके तो वो लास्ट डेस्क से आप ले सकते हैं। वैसे भी वो ऑलरेडी वो आपकी फ़ोटो आ चुकी होती है केबल कार के अंदर बैठते हुए, बड़ा प्यारा व्यू होता है वो, फिर लेनी भी चाहिए, एक वो मेमोरीज होती हैं। तो वापसी पे आते हुए इतना ज़्यादा डर नहीं लगा, लगा था थोड़ा ऊपर हाइट पे जब बैठे थे उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया, क्योंकि नीचे आते हुए स्लो स्लो आती है, ऊपर जाते हुए ज़रा उसका ज़ोर लगता है तो उस पे ज़रा ज़्यादा डर लगता है। मुझे हमारी गाड़ी नहीं नज़र आ रही, वो उधर खड़ी, वो इधर आके भी नीचे जो थी वो शॉप्स थी कुछ चीज़ों की, कुछ गिफ्ट्स की, और ये छोटे मोटे वो कार्ड्स थे बैंफ के, कनाडा के, और लेक लुइस के, और भी काफ़ी की चेन थे, टी शर्ट्स थी। तो फिर हम वापस आ गए, इसके बाद जब हम वापस आए तो फिर उसके बाद हम गए थे रास्ते में वो मीना मांका लेक आती है, वो रास्ते में ही वो पड़ती है, तो फिर हम उधर गए थे, उधर का विज़िट किया था, उसका भी मैं शेयर करूंगी आपके साथ, वो भी बड़ी प्यारी लेक है। तो नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें, तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।